बच्चों के भविष्य को लेकर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के नाम पर हो रहा खिलवाड़। प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के लिए नहीं है पानी, लैट्रिन और सफाई, बैठने की सुविधाएं। बरसात में बच्चे पढ़ाई के समय में स्कूल के बाहर खेतों में जाते हैं सोच के लिए। मामला जनपद हमीरपुर की सरीला तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम अल्प कछवा प्राथमिक विद्यालय का है, जहां पर बच्चों के लिए स्कूल तो है लेकिन उनके बैठने के लिए फर्श नहीं है, लैट्रिन के लिए शौचालय नहीं है, पीने के लिए पानी की सुविधा नहीं है, सफाई के नाम पर नहीं आता कोई भी कर्मचारी। आंगनबाड़ी में उखड़ा पड़ा हुआ है फर्श। यह सब प्रधान और सचिव की मिलीभगत से ही संभव है। सरकार की तरफ से आने वाले पैसे का ये लोग कर रहे हैं बंदर बांट। बच्चों के भविष्य की नहीं है किसी को फिक्र। आपको बता दें कि स्कूल के अंदर ही एक आंगनबाड़ी है जिसमें 70 बोरी सीमेंट पड़ा हुआ है, जो कि वहां शौचालय बनाने के लिए आया था, जो पड़े पड़े पत्थर बन चुका है, लेकिन अभी तक सचिव और प्रधान द्वारा काम शुरू नहीं करवाया गया, जिससे कि बच्चों को स्कूल से बाहर खेतों में सोच करने के लिए जाना पड़ता है। इन्हीं बदाव से होती है मासूमों के साथ दरिंदगी और बच्चे बन जाते हैं किसी न किसी की हवस का शिकार। प्राथमिक विद्यालय के टीचर ने बताया कि जब से स्कूल खुले हैं अभी तक कोई सफाई कर्मचारी यहां पर नहीं आया, जिसके लिए कई बार ग्राम प्रधान से भी कहा गया और ये सुविधाओं से वंचित बच्चों को सुविधा देने के लिए सचिव से भी बात की गई, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। अब ऐसे में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाली सरकार ऐसे प्रधानों को सबक नहीं सिखाएगी क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं पर पलीता लगाने वाले ऐसे प्रधान अपने ग्रामों का विकास कर पाएंगे? सबसे बड़ी समस्या है सफाई की। सफाई कर्मी यहाँ आता नहीं है। 25 जून से स्कूल खुले थे तब से लेकर के आज तक सफाई कर्मी नहीं आया, ना ही तो विद्यालय में कोई सफाई का काम हुआ है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ 131 छात्रांकन है जिसमें ज़्यादातर बालिकाएं हैं और शौचालय नहीं है, तो उसकी सबसे बड़ी समस्या है। बालिकाओं को शौच जाने की खासतौर से बरसात के मौसम में बहुत समस्या होती है। पिछले एक साल से सचिव और ग्राम प्रधान शौचालय बनाने के लिए कह रहे हैं लेकिन अभी तक सिर्फ गड्ढे खुदवाए गए थे और गड्ढे भी बरसात के पानी से बेकार हो गए हैं। उनका सामान भी रखा हुआ है लेकिन शौचालय